आइए आपको एक छोटी सी प्रेरणा कथा सुनाते हैं। सबके काम आना चाहिए। बहुत पुरानी बात है, भारत के उत्तरी इलाके में पहाड़ों पर एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक ऋषि रहा करते थे। उनके ज्ञान और उनकी बुद्धिमत्ता के सामने सभी नतमस्तक होते थे। गांव के लोग उनका बहुत आदर सत्कार करते थे। एक दिन वो ऋषि साधना में डूबे हुए थे कि तभी गांव के कुछ लोग उनके पास आए और उनसे सहयोग करने के लिए अनुरोध करने लगे। गांव वालों ने कहा, गांव का मुखिया गंभीर रूप से बीमार है, सब जगह इलाज करवाने लेकिन फायदा नहीं, अब आप ही कुछ करके उसे बचा सकते हैं। ऋषि को औषधियों का बहुत ज्ञान था और वो जड़ी बूटियों के प्रयोग से बड़े रोग का भी इलाज कर देते थे। वो अपनी पूजा अधूरी छोड़कर अपने शिष्यों के साथ लेकर मुखिया की सहायता के लिए चल पड़े। शिष्य जानते थे कि गांव का मुखिया दुष्ट चक्रवर्ती था और वो ऋषि महाराज का घोर विरोधी था, क्योंकि ऋषि महाराज अक्सर पाखंडों और अंधविश्वासों के विरुद्ध बोलते थे जो उस मुखिया ने गांव के लोगों के बीच फैला रखा था। मुखिया के घर जाकर ऋषि ने मुखिया का निरीक्षण किया और फिर जड़ी बूटियों से दवाई तैयार करते थे। शिष्य ने ऋषि के कहे अनुसार मुखिया को दवाई दी, जिससे थोड़ी देर में उसकी तबीयत में सुधार हुआ। दवा देकर ऋषि अपने शिष्यों समेत आश्रम लौट आए। आश्रम में आकर एक शिष्य ने पूछा, गुरु जी आप अपनी साधना अधूरी छोड़कर चले गए थे और फिर आपने उस दुष्ट मुखिया का इलाज भी कर दिया, आपने ऐसा क्यों किया? वो तो आपका दुश्मन है। तब ऋषि ने कहा, पुत्र जो आपका दुश्मन है या आपको दुश्मन मानता है उसके सुख में भले ही आप नहीं जा सकते, परंतु उसके दुख में अवश्य इसका साथ हो सकता है, इससे दुश्मनी की खाई भर दे। ईश्वर है प्राणी, इसलिए प्राणी की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, हमें ईश्वर सेवा का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। शिष्य यह सुनकर श्रद्धा अनुभूत हो गए। सार यह है कि दुख में सत्य का, इससे दुखी व पीड़ित व्यक्ति को दुख से लड़ने की ताकत मिलती है। अपने ज्ञान को सभी की सेवा में प्रयोग करने वाला ही ब्रह्म ज्ञानी होता है, क्योंकि वह सेवा पहुंचते समय यह नहीं देखता कि सेवा प्राप्त करने वाला मित्र है शत्रु या कौन सी जाति और धर्म का है। गुरु का ज्ञान सबके लिए एक सा ही होता है और पूरी तरह से निष्पक्ष होता है। काश ये बात आज के हमारे शिक्षकों और धर्म के ठेकेदारों को समझ आ जाती, जो देश में प्रेम और शांति की गंगा बहने लगती और भारत एक बार फिर से सच में ही महान हो जाता। आप कोशिश करके देखिएगा कि क्या आपका विरोध करने वाले लोगों की दुख में सहायता करने की हिम्मत रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।